समझने की आवश्यकता है। आज बिहार में जो महागठबंधन का स्वरूप है वो शुद्ध रूप से पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, गरीब विरोधी है, शोषित विरोधी है। आखिर क्या कारण है कि इन्हें नीतीश कुमार जी के साथ उपेंद्र कुशवाहा जी, उनके स्वाभिमान के साथ समझौता हो रहा था, जीतन राम मांझी जी मूसा समाज से आते हैं, महादलित समाज से आते हैं, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा था? ये महागठबंधन का असल चाल चेहरा और चरित्र है। जो नीतीश कुमार जी आजकल दिल्ली का दौरा लगा रहे हैं, आप बिहार में तो अपनी सरकार को संभाल के रख नहीं पा रहे हैं, और जो विश्वास हमारे सामने आए हैं, आप जिस मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण की बात कर रहे थे, वरिष्ठ नेता है रत्नेश सदा जी महादलित समाज से आते हैं, तेजस्वी जी के पैर छू रहे हैं, यह संवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। जिनके पिता जो राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय की बात करती थी, आज वो सामाजिक अन्याय का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया है। एक दलित महादलित समाज से आने वाला व्यक्ति जब मंत्री पद की शपथ देता है तो अपने से उम्र में छोटे, आयु में तो छोटे हैं ही, राजनीतिक अनुभव के भी छोटे हैं। रत्नेश जी दलित समाज से आते हैं, अपने दम पे विधायक बने हैं, अपने दम पे मंत्री बने हैं, लेकिन उनको भी तेजस्वी यादव जी का पांव छूना पड़ रहा है। इससे देश भर में दलित समाज, महादलित समाज, गरीब समाज आज अपमानित महसूस कर रहा है। हमें जानने की आवश्यकता है, ये वही लोग हैं जो जातिगत जनगणना की बात करते थे, लेकिन सामाजिक न्याय के नाम पे शुद्ध रूप से आपने अपने आप को और अपने परिवार को आगे बढ़ाया है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी, मंत्री कौन? तेज प्रताप यादव। राज्यसभा कौन? मीसा भारती। नेता कौन बनेगा विधान परिषद में? तो माता बनेगी। आपके सामाजिक न्याय की कल्पना में आप परिवार से आगे गए नहीं, और आए दिन दलित, महादलित, गरीब, शोषितों का अपमान कर रहे हैं, ये देश देख रहा है, दलित समाज देख रहा है।